हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 11,000 के अंदर में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए ही बना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे कैमरा फोन बताएंगे जो 11,000 के प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ मिल जाएगा। कैमरा तो अच्छा मिलेगा ही, जिससे आप फोटोग्राफी वीडियो अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा और सभी फीचर भी काफी धांसू लेवल का दिया गया है, जैसे पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, 6000 mAh तक का बैटरी मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 90Hz तक का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। बोले तो सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi 10। और हाँ, आपको बताते चले कि ये नंबर 1 नंबर पे है, तो ये सबसे बेस्ट फोन है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी फोन का रैंक नहीं किया है, बस ऐसे ही 1 नंबर 2 नंबर करके फोन को रख दिया है अपने लिस्ट में। और इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है। और हाँ, बात कर रहे थे इस फोन का, ये फोन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और काफी धांसू फीचर के साथ आता है। लगभग 1 सप्ताह पहले ये फोन लॉन्च हुआ है। खैर, डिटेल्स में बताते हैं इस फोन का फीचर को। यह फोन आपको थोड़ा सा भारी महसूस तो कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 203 ग्राम है। और भारी होने का सबसे बड़ा रीजन आपको बता देते हैं कि इसमें 6000 mAh का बैटरी दिया गया है और 9.1 mm का थिकनेस है। थिकनेस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। 3.5 mm वाला जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब ये तो था खैर इस बेसिक फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा, प्लस कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और नॉर्मल 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी धांसू दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। 6000 mAh का बैटरी नहीं, बल्कि एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। बैटरी से भी इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का मेन कैमरा का, तो इस फोन में ज्यादा कैमरा तो नहीं दिया गया है, पीछे के साइड 2 ही कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा 50 MP का है और सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है और 1.8 का अपर्चर है। वही सेल्फी कैमरा 5 MP का दिया गया है। इस फोन का पीछे का कैमरा जो है ना, काफी अच्छा कैमरा है। फ्रंट कैमरा से आपको थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन रियर कैमरा जो है ना, काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 11,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 11,000 के अंदर में कोई न्यूएस्ट अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं है, तो इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का अगला फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11। काफी अच्छा फोन है। इसमें सबसे अच्छा बात है कि एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में ना के बराबर ही मिलता है। तो इस फोन में क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, तो चलिए डिटेल्स में आपको बताते हैं। इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 184 ग्राम है। 7.9 mm का थिकनेस है। काफी पतला प्रीमियम फोन है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फोन में साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.7 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 750 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले जो है ना, इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस काफी आनंद आएगा। और एमोलेड डिस्प्ले है, तो बैटरी का भी थोड़ा सा बचत भी करेगा। और 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के अलावा गेमिंग भी करना चाहते हैं इस फोन में, तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का प्रोसेसर जो है ना, काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर
आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। लगभग एक घंटा में फुल चार्ज कर देगा, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन कैमरा का, तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए है, और तीसरा कैमरा AI लेंस है और 1.6 का अपर्चर है। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। वहीं सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसका अपर्चर 2.0 है। तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर भी थोड़ा सा लो है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है। और इस फोन में आपको काफी सारा मोड मिल जाएगा जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,499 रुपया देना होगा, यानी कि 10,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। अब बात को समझिए कि ये फोन आपको 10,500 में कैसे मिलेगा। अगर आप इस फोन को सेल ऑफर में लेते हैं तो आराम से 10,500 में ये फोन आपको मिल जाएगा, और ऐसे इस फोन का प्राइस ज्यादा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब सेल ऑफर चल रहा था तो इस फोन का प्राइस 10,500 रुपया हो गया था। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आप सेल ऑफर में ही लीजिएगा, तभी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो पाएगा। अब आपको डिसाइड करना होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का तीसरा फोन आता है Realme की तरफ से, Realme C35। काफी अच्छा फोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप इस फोन को iPhone 13 2 कह सकते हैं, क्योंकि इस फोन का लुक डिजाइन जो है ना सेम iPhone 13 के जैसा है। अगर आपको सस्ता दाम में कोई iPhone जैसा फोन चाहिए ना, तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। सिर्फ लुक डिजाइन ही नहीं, इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। तो फिर चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 189 ग्राम है। 8.1 mm का थिकनेस है, ज्यादा नहीं है। 3.5 mm वाला जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो Realme URR एडिशन के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है और 600 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करते हैं अभी स्मूथनेस का, तो नॉर्मल 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का सैंपलिंग रेट दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो यूनिसोक T616 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 10W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे बस में तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारा मेन कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है, और थर्ड कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का दिया गया है। और मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। पीछे का कैमरा इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेल्फी कैमरा वैसा कैमरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 11,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 12,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आप इस फोन को ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से आपको 11,000 के आसपास में मिल जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी फोन लेते हैं तो ऑफर लगाकर खरीदिए, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 50A। ये फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। ज्यादा पुराना फोन भी नहीं है, तो इस फोन में आपको क्या क्या फीचर मिलेगा चलिए डिटेल्स में बताते हैं। यह फोन आपको थोड़ा सा भारी महसूस कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 207 ग्राम है, और भारी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें 6000mAh का बैटरी दिया गया है और 9.6mm का थिकनेस है। थिकनेस भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है और डेडिकेटेड स्लॉट
कार्ड मिल जाएगा जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो रियलमी UI भी 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। ये तो था खैर इस फोन का छोटा मोटा फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 6000mAh का बैटरी नहीं बल्कि एक बड़ा बैटरा दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो के लिए है और मेन कैमरा का अपर्चर 1.8 है। प्राइस के अकॉर्डिंग पीछे का कैमरा काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। वहीं सेल्फी कैमरा केवल 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का, 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 570 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का स्मूथनेस का, तो 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 11,499 रुपया देना होगा, यानी कि 11,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आप इस फोन को भी ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 10,500 में मिल जाएगा। अब आपके पास चार ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन को परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।